एशियन डेवलपमेंट बैंक की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मजबूत टीकाकरण अभियान के बीच भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष में 11% की दर से बढ़ने का अनुमान है। साथ में ये भी कहा गया है कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में बेतहाशा बढ़ रहे मामले और लगाई जा रही पाबंदियां आर्थिक सुधार को प्रभावित कर सकती है। एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2021 में कहा कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की उम्मीद है, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले आर्थिक सुधार को खतरे में डाल सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष 2022 के दौरान भारत की जीडीपी के 7% की दर से विस्तार होने की उम्मीद है। इनके अलावा रिपोर्ट में साउथ एशिया में इस वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी के 9.5% रिबाउंड होने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि साल 2020 में साउथ एशिया की जीडीपी 6% तक सिकुड़ गई थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के प्रकोप के बीच डेवलपिंग एशिया में इस वित्त वर्ष के दौरान 7.3% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए भी संभव है कि दुनिया के कई देशों में संक्रमण की रफ्तार धीमी है और टीकाकरण अभियान चल रहा है, जबकि पिछले साल डेवलपिंग एशिया की अर्थव्यवस्था 0.2% तक सिकुड़ गई थी। आसान भाषा में कहें तो रिपोर्ट कहता है कि इस वित्त वर्ष के दौरान और अगले वित्त वर्ष 2022 के दौरान साउथ एशिया की अर्थव्यवस्था में बेहतर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी में मजबूत निर्यात और घरेलू खपत में धीरे धीरे सुधार से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक पीआरसी की जीडीपी में 8.1% की दर से विस्तार हो सकता है, जबकि साल 2022 में इसके 5.5% बढ़ने की उम्मीद है। इनके अलावा अगर महंगाई की बात करें तो डेवलपिंग एशिया में महंगाई 2.3% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले साल 2020 के दौरान ये 2.8% रहा था। हालांकि 2022 में फिर से महंगाई आ सकती है और इसके 2.7% की दर से बढ़ने की आशंका है। बात अगर भारत की करें तो यहां साल 2020 के दौरान 6.2% के मुकाबले इस चालू वित्त वर्ष में इसके 5.2% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में ये और कम होकर 4.8% रह सकता है। रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की भी उम्मीद है। इस वित्त वर्ष 2021 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 9.8% की दर से बढ़ सकती है, जबकि अगले वित्त वर्ष 2022 के दौरान इसमें 5.9% की गिरावट की आशंका है। गौरतलब है कि इससे पहले वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने भी भारत की जीडीपी के 11% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। एजेंसी ने कहा कि महामारी एक बड़ा जोखिम है जो हालिया सप्ताहों में तेजी से बढ़ा है। जोखिम को देखते हुए संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाना अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।